बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए जो एक ही वर्कबुक दी गई है इस पर हम कार्य करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पेज नंबर 82 से लेकर पेज नंबर 87 तक कार्य करते हैं। वर्कशीट नंबर हम 74 से कार्य करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। दिए गए पैसेज को पढ़ें और रेखांकित शब्दों का प्रयोग समझें। एन ओल्ड मैन इज स्लीपिंग फ्रूट्स सेलिंग फ्रूट्स। ही हैज़ लॉन्ग एंड येलो बनानास राउंड एंड रेड एप्पल्स बिग एंड ग्रीन वाटरमेलन्स स्मॉल एंड ब्राउन चीकूस। ही इज वेरी हैप्पी हिज शॉप लुक ब्यूटीफुल फ्रूट्स स्मॉल वेरी नाइस एंड टेस्टी। बच्चों अब हम पढ़ते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। नाउ राइट देम बिलो। एकांकी शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहेंगे। सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, लॉन्ग येलो राउंड रेड बिग ग्रीन स्मॉल ब्राउन ब्यूटीफुल और नाइस और टेस्टी। अब हम देखते हैं बच्चों क्रिया की जो विशेषता बताएगा। जैसे हम कह सकते हैं विशेषणों की पहचान कर रेखांकित करें। तो यहाँ पे हमने टॉल शॉर्ट ओल्ड ब्लू थिंग येलो हॉट रेड बिग थिंग हैवी और स्मॉल को अंडरलाइन किया है। ये हमारे विशेषण कहलाते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं नाउ राइट देम बिलो। अब इन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। तो आप यहाँ से जो हमने सर्कल बनाया है उससे आप यहाँ पे अवश्य लिखें। अगला चलते हैं। चूज एंड राइट द डिस्क्राइब पिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। चित्र हेतु विशेषण छाटकर खाली स्थान में लिखो। और लॉन्ग, तो यहाँ लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ जिराफ जो है हमें वो लॉन्ग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे स्मॉल बच्चा छोटा दिखाई दे रहा है तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल बेबी। यहाँ पे अब बिग हाउस हो रहा है दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा घर है। अब ब्लैक कैट, यहाँ पे काली बिल्ली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे और टॉल बॉय दिखाई दे रहा है। वर्कशीट नंबर 75 पे कार्य करते हैं। रिवाइड द सेंटेंस यूजिंग अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को फिर से लिखें। तो द कैट इज फैट, द कैट इज थिन। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है द कैट इज थिन, फैट का उल्टा क्या हो जाएगा थिन। इसी प्रकार यहाँ पे बैट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, गुड हो जाएगा। तो ही इज अ गुड सिंगर। इसी प्रकार यहाँ पे ओल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा न्यू, और डर्टी का उल्टा हो जाएगा क्लीन। तो इसका वाक्य बन जाएगा माई क्लोथ्स आर न्यू एंड क्लीन। फिर यहाँ पे स्मॉल का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बिग, और वीक का उल्टा हो जाएगा स्ट्रांग। तो सेंटेंस बनेगा एन एलिफेंट इज अ बिग एंड स्ट्रांग एनिमल्स। फिर यहाँ पे स्मॉल का उल्टा हो जाएगा बिग, और वीक का उल्टा हो जाएगा स्ट्रांग। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैंगो ट्री इज बिग एंड स्ट्रांग। फिर यहाँ पे बन जाएगा लेफ्ट का उल्टा राइट, तो बन जाएगा आई टुक द राइट टर्न वाइट विल गोइंग टू मार्केट। तो यह आशा है हमने यहाँ पे विलोम शब्दों को बड़ी ही आसानी से समझा होगा। अब हम चलते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स द फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। हमें वाक्यों को सही जमा के लिखना है। तो बी नंबर का हम देखते हैं, इसको जमा कर लिखे हमने आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस। फिर हो जाएगा सी नंबर में ई हैज़ शॉर्ट हेयर। और डी नंबर का हो जाएगा आई एम टॉल बॉय। और ई नंबर का हो जाएगा एप्पल्स आर ग्रीन एंड स्वीट्स। आशा है आपने इतना कार्य बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। बच्चों अन्य विषय के भी अभ्यास आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो अभ्यास संबंधित हैं कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए बने हुए हैं। तो आज
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट के आधार पे अपनी कठिनाई वाले वर्कशीट को हल कर लीजिए। अब देख रहे हैं बच्चों, रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों को लिखें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रेखांकित शब्द हैं, तो हम इनके यहाँ पे अपोजिट यानी उल्टे शब्दों को देखेंगे। जैसे स्ट्रांग यानी होता है मजबूत, तो वीक यानी कमज़ोर, स्मॉल यानी छोटा, तो बिग यानी बड़ा, लेफ्ट यानी उल्टा, तो राइट यानी सही, और शॉर्ट यानी छोटा, तो टॉल यानी लंबा, राइट यानी सही, तो रॉन्ग यानी गलत, टॉल यानी लंबा, तो शॉर्ट यानी ओछा, डर्टी यानी गंदा और क्लीन यानी साफ, हैप्पी यानी खुश और अनहैप्पी यानी दुखी, ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया, हेट यानी घृणा और लव यानी प्यार। इस तरह यहाँ पे जो अंडरलाइंस किए गए हैं उन वर्ड्स के हमने यहाँ पे अपोजिट्स वर्ड को जाना है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 77 पे कार्य करते हैं। चित्रों को ध्यान से देखें। चित्रों में दिए गए मुर्गे का आकार एक आकार के नहीं है। इनका वर्णन करने के लिए अलग अलग का प्रयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले बच्चों हमको एक स्मॉल मुर्गा दिखाई दे रहा है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इन दोनों से बड़ा, और फिर सबसे बड़ा मुर्गा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमें टॉमी, जैकी, रॉकी और बुर्नो दिखाई दे रहा है, तो इनके लिए एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। टॉमी इज अ स्मॉल डॉग हमें दिखाई दे रहा है एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि जैकी इज बिगर देन टॉमी। टॉमी जो है, जैकी जो है वो टॉमी से बड़ा है। रॉकी इज बिगर देन जैकी। रॉकी जो है वो जैकी से बड़ा है। और ब्रूनो इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ब्रूनो जो है डॉग वो इन सब में सबसे बड़ा है। इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है मिनी, टीनी, विनी और गिनी के बारे में। तो सेंटेंस बनाते हैं, विनी इज अ स्मॉल कैट, टीनी इज अ बिगर देन मिनी, और विनी इज बिगर देन टीनी, और गिनी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। इस प्रकार हमारी वर्कशीट नंबर 78 पे हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं बॉक्स के खाली स्थान में विशेषण का सही रूप लिखें। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसी प्रकार हम बनाते हैं वाइस, वाशर, वाशेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, फर्स्टर, फर्स्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। पहली बार आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।